हे गाइस नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो बाय गैबी फेलो। और यहाँ पे गैबी फेलो भाई आपके लिए लेके आया है कमाल की चीज मेरे हाथ में है और बिल्कुल हाथ में ऐसे कांप रहे हैं मतलब उसको खोलने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, खोलने से पहले एक बार आपको दिखा दो और आपके साथ ही क्यों ना खोली जाए। तो भाई मेरे पास है यहाँ पे एप्पल का एयरपॉड। ये एयरपॉड लिया मैंने, एयरपॉड 2 आने वाला है मुझे पता है, लेकिन अभी मेरे से रुका नहीं गया क्योंकि भाई एयरपॉड 2 का वेट कर रहा हूँ मैं बहुत टाइम से। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, तब तक एयरपॉड 1 चला लेते हैं, जब 2 आएगा तो देखी जाएगी, है ना। ये शायद आप में से किसी एक का हो जाए। तो फिर यहाँ पे हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसी एयरपॉड की। अब प्राइसिंग की बात करें तो इंडिया में आपको ये मिल जाता है अराउंड 13,000 का। बाकी अलग अलग ऑफर आते रहते हैं तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा अलग अलग जगह जाके। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि अगर आप 13,000 रुपये एयरपॉड में डाल रहे हो और अगर वो आपके कान में फिट ना आए तो, क्योंकि खरीदने से पहले ये चीज़ आपको श्योर करना पड़ेगा कि आपके कान में जो एयरपॉड है वो बिल्कुल फिट आने चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपने एप्पल का कोई भी फ़ोन खरीदा होगा तो उसके साथ ये आपको ईयरफोन मिले ही होंगे एप्पल के। इसको क्या करना है, आपको इसको सिंपली जाके आपको अपने कानों में लगा के देखना है कि ये आपके कानों में फिट आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ईयरपॉड जो है लगभग इसकी ही कॉपी है, यही डायमेंशन देखने को मिलता है उसमें। तो ये मैंने लगाया और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मेरे कानों में भाई बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है दोनों तरफ। तो फिर आई कैन गो एंड आई कैन परचेज इट, इसलिए मैंने जाके यहाँ पे खरीदा। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फिर देखते हैं क्या कमाल की चीज है ये, राइट। तो देखिए अगर इस पर इन्फॉर्मेशन देख लें तो ज्यादा कुछ है नहीं, वैसे एप्पल का वही टिपिकल बॉक्स आता है व्हाइट कलर का, पूरा स्क्वायर बॉक्स है इसमें आप देखोगे ये। तो यहाँ पे आपके एयरपॉड छपे हुए हैं, इधर आपका एयरपॉड लिखा है, यहाँ पे आपको मिल जाता है एप्पल का लोगो, यहाँ पे भी मिल जाती है आपको बाकी डिटेल्स कि ये कहाँ पे बना हुआ है, मेड इन चाइना। ये चाइना ही दिक्कत करता है लेकिन ठीक है। खुल जा सिम, 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 खुल जा सिम। इसको करते हैं भैया साइड में। अब इसके अंदर देखें तो वही आपका टिपिकल एप्पल के ब्रोशर निकलते हैं जिसमें इसको कैसे हैंडल करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये करते हैं साइड में। ये देखो यहाँ पे नॉर्मली आपका जो ब्रोशर है वो आ गया, इसमें सेटिंग वेटिंग कैसे करनी है, कैसे कनेक्ट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। फिर ये कुछ एप्पल के अपने टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारे ब्रोशर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, ये हमारे काम के नहीं है। उसके बाद भैया ये आ जाती है कमाल की चीज, और ये रहा आपका यहाँ पे एयरपॉड। तो इसको यहाँ पे पुल करते हैं और ये निकली बेबी, प्यारी सी बेबी बाहर आ गई। इसको फर्दर ओपन करते हैं तो ये दोस्तों निकल गया यहाँ पे छोटा सा टेंगा सा एयरपॉड। तो चलो इसको हम रुक के खोलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि और अंदर क्या क्या निकलता है। तो भाई इसको फर्दर पुल करते हैं हम, और निकल जा भाई, चल तू भी साइड हो जा, ये तो नॉर्मल सा है। और यहाँ पे आपको टिपिकल मिल जाती है लाइटनिंग टू यूएसबी कनेक्टर, मतलब कि केबल एक और मिल गई आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके डिजाइन देखोगे तो बहुत प्यारा सा डिजाइन है, बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश है। यहाँ पे कुछ मैकेनिक स्ट्रिप है, ये कुछ काम करता होगा। यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे देख सकते हो आप, जो अपना WPS बटन होता है कुछ कुछ वैसा ही है, छोटा सा प्यारा सा बटन। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर है कि आपको खोलना किस तरफ से है इसको। और तो भैया बॉक्स में इधर उधर कुछ है नहीं, पीछे देख लें तो यहाँ पे देखो लाइटनिंग आपको जैक मिल जाता है। अच्छा अगर हम यहाँ पे बात करें बैटरी लाइफ की तो यहाँ पे ये जो केस है ये खुद भी चार्ज होता है और इसके अंदर जो एयरपॉड है वो भी चार्ज होते हैं, मतलब दोनों में अपनी अपनी बैटरी है। और ऐसा एप्पल क्लेम करता है कि जो इसके एयरपॉड है उसकी बैटरी लाइफ आपको मिलेगी 4 से 5 घंटे, और ये जो केस है ये उन एयरपॉड को कम से कम 4 से 5 बार चार्ज कर सकता है, मतलब कि अगर आप लेके चलो तो लगातार आपको 24 घंटे तक का बैकअप दे सकता है एयरपॉड और ये केस दोनों मिलके। तो भाई यहाँ पे ये हो गया प्यारी सी चीज ओपन, और ये देख सकते हो यहाँ पे निकल के आ गए एयरपॉड। यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का इंडिकेटर आ रहा है, मतलब की बैटरी यहाँ पे चार्ज है। और तो यहाँ पे ये निकल गया आपका एयरपॉड, ये निकल गया आपका दूसरा एयरपॉड, ये है राइट, ये है लेफ्ट, और यहाँ पे ये बता रहा है इंडिकेट करके कि अब यहाँ पे दोनों एयरपॉड बाहर निकल चुके हैं। तो यहाँ पे तो कुछ ज्यादा मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलता है, चलो इसको करते हैं साइड में। बात करें यहाँ पे एयरपॉड की तो ये लगभग वैसा ही दिखता है कुछ कुछ जैसा कि आपको आपके ईयरफोन मिलते हैं जो एप्पल के साथ फोन के साथ। तो चलिए फिर करते हैं इसको कनेक्ट और देखते हैं कि ये कनेक्ट कैसे होता है। तो भैया यहाँ पे हमारे पास आ गया iPhone 10, और चलो फिर इसको करते हैं कनेक्ट। तो कनेक्ट करने के लिए जो सबसे प्यारी चीज है यहाँ पे वो ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस केस को पास लेके जाना है आईफोन के और इसको जस्ट आपको ओपन करना है। तो ये हमने कर दिया ओपन, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी सारी स्पेसिफिकेशन आ गई। यहाँ पे राकेश एयरपॉड्स आ गया, मतलब कि ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो गया। उसके साथ आप देख सकते हो कि जो केस है उसकी बैटरी है दिखा रहा है 9%, और यहाँ पे जो एयरपॉड है घूम रहे हैं उसकी बैटरी जो है वो है 100%। जैसे हम एक निकालते हैं यहाँ पे दोनों के अलग अलग इंडिकेशन आ जाते हैं। अभी जैसे मैंने एक बाहर निकाला, यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों के इंडिकेशन आ गया, दोनों भैया यहाँ पे 100% है। तो ये यहाँ पे डालते हैं और इसको जैसे आप बंद करते हो ये भी हो जाता है बंद। तो यहाँ पे एयरपॉड कनेक्ट हो चुका है मेरे आईफोन से। अच्छा इसके साथ यहाँ पे एक बहुत कमाल का फीचर मुझे ये लगा कि ये भाई देखो यहाँ पे गाना प्ले हो रहा है आपको मेरे फोन में दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैं अपने एयरफोन को निकालता हूँ बाहर, और यहाँ पे देख सकते हो आप फोन में म्यूजिक ऑटोमेटिक पॉज हो गया। इसको मैं दोबारा कान में डालता हूँ
ये म्यूजिक अपने आप रिज्यूम हो गया। ये बड़े कमाल की चीज़ है यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी सारी बातें यहाँ पे एप्पल के एयरपॉड के बारे में। अनबॉक्सिंग भी कर ली, रिव्यू भी दे दिया, थोड़े बहुत फीचर्स भी बता दिए मैंने। तो उम्मीद करता हूँ आपको एयरपॉड पसंद आए होंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी। और चलो फिर करते हैं इस वीडियो को ख़त्म, आगे मिलते हैं फिर कुछ नई वीडियो में, कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, वंदे मातरम।